जोहार सलाम नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है SNMCH में। कल रात 10 बजे के करीब अस्पताल में आग लगने की खबर पहुंची, उसके बाद पता चला लगभग ये आंकड़ा जो है किसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, 50 लाख की संपत्ति की नुकसान बताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी है अब तक तो यही पता चल रहा है। लेकिन आज हम अस्पताल पहुंचकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरे तल की ओर अब हम प्रवेश कर रहे हैं और वहां जाकर अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बाकी पेशेंट जो अन्य तलों पर थे उनका कल रात को क्या हाल रहा और आग की इस तरीके की घटने पर आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या कल आप SNMCH इस खबर को सुनने के बाद पहुंचे थे। देखिए हम दूसरे तल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें जो हैं अब आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही होगी, शाम की तस्वीरें हैं, अगला दिन है लेकिन कल के हालात जो हैं वो उतने अच्छे नहीं थे। विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी जब आग की लपटें धू धू करके आसमान को छू रही थी, वो नज़ारा खास नहीं था, अच्छा नहीं था और इस अनहोनी की खबर के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया। वैसे जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे उनमें भगदड़ मच गई, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, कई नर्स सिस्टर वो भी जो है वो भी आसपास में भागने लगी लेकिन जान किसी की नहीं गई, यही बात जो है सभी को राहत दे रही है। दूसरे तले पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भी परेशान रहे। वैसे कल रात को दो जगह पर आग लगने की सूचना आपको प्राप्त हुई होगी, एक पुराना बाजार, दूसरा SNMCH। वैसे आप ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ आग की उस तरह से असर नज़र नहीं आ रही है। बाहर के बिल्डिंग में आपको दिखेगा वो नज़ारा जब दीवार पर काले काले परत जम गए हैं, लेकिन इस तले पर जाकर के हम लोगों से जानेंगे कि कल रात को क्या नज़ारा था। तस्वीरें आपको दिख रही है ये दूसरे तले की है, SNMCH में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर में जहां पर आग लगने की खबर आपको प्राप्त हुई, लगातार उसी क्रम में ऊपर तक जितना भी ये माला है चौथे माले तक लगभग आपको दिख रहा होगा दीवार पर किस हद तक कालापन है। कल रात 10 बजे जब अस्पताल में खबर मिली लोगों को कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो अस्पताल में जितने भी पेशेंट थे उनमें भय का माहौल दिखने लगा, भगदड़ मच गई। लेकिन आसपास साथ ही दमकल कर्मियों की मौजूदगी में सभी को तो बचा लिया गया। वैसे संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है, 50 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, इससे होता क्या है कि आप देखिएगा पहले तल्ले के आसपास या उसके ऊपर तल्ले में जहाँ जहाँ भी वो गंध गई, जब जलने की जो स्मेल पहुंची है वो काफ़ी हाई थी, लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और सफोकेशन के कारण कई पेशेंट जो है वो उतर कर डर कर भागने लगे।